तो राशियों के बाद अब समय है आपके सितारे में जानने का आज का महा उपाय। आज आपको बता दें कि बैकुंठ चतुर्दशी है और आचार्य से जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व होता है। जी नूरी, आज की तिथि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शास्त्रों के अनुसार। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है यह व्रत उस दिन किया जाता है, यानी अर्थात आज की जो तिथि है बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग अर्पित करें, तत्पश्चात पुष्प धूप दीप नैवेद्य चंदन आदि पदार्थों से उनकी पंचोपचार पूजा और आरती करनी चाहिए। ये उसका बहुत विशेष महात्मा हमारे शास्त्रों में बताया गया जी। और इसके पीछे कोई कथा भी है आचार्य जी? जी निश्चित तौर पे, इससे इस तरीके के जितने भी पर्व होते हैं कोई ना कोई पौराणिक कथा उससे जुड़ी होती है। एक बार नारद जी ने बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जाकर के उनसे पूछा कि नारद जी, सबसे पहले जब भगवान विष्णु के पास नारद जी गए तो विष्णु जी ने उत्सुकतावश पूछा कि प्रभु आज आप यहाँ कैसे? तो नारद जी बोले कि हे भगवान, आपको पृथ्वीवासी कृपा निधान कहते हैं, किंतु इससे तो केवल आपके प्रिय भक्त ही तर हो पाते हैं। साधारण नर नारी को मोक्ष नहीं मिलता, उनको बैकुंठ का वास नहीं मिलता, इसलिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे उनका भी कल्याण हो सके, साधारण नर नारी भी आपकी कृपा का पात्र बन सके। इस पर भगवान बोले, हे नारद जी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने जय विजय को बुला करके आदेश दिया, जो उनके द्वारपाल थे उनको बोला कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुले रखे जाएं। भगवान ने यह भी बताया कि इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर के मेरी पूजा करेगा उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। अर्थात आज की तिथि में जो भी भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करता है, किसी भी तरीके से भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करता है, उसे बैकुंठ अर्थात भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए आज की तिथि जो है वो बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो आज के आपके बारे में हमने जाना कि क्या महत्व है आज के दिन का और आज के दिन का आप लाभ कैसे उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों समय की पाबंदी के कारण हम सभी कॉलर्स का कॉल नहीं ले पाते, सवालों का जवाब नहीं दे पाते आचार्य जी, लेकिन इसका समाधान है आपके पास। अगर आप इस कार्यक्रम में हम आपकी बात नहीं हो पाई आचार्य जी से, तो आप आचार्य जी को उनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मोबाइल नंबर उनके लगातार इस कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होते हैं, और साथ ही साथ आप मेल के जरिए भी अपनी समस्याओं का हल जान सकते हैं। आचार्य जी की मेल आईडी ये है। हमें ईमेल के जरिए आपके सितारे @gmail.com पर भी भेज सकते हैं। याद रखिए, मेल करते समय अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान जरूर लिखें। तो आचार्य जी आपके सितारे में आए और इतना कुछ खास बताया, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। बिल्कुल दोस्तों, तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। We'll be right back.